सोचिए आप रात के समय अकेले रेलवे स्टेशन पर, आपके आसपास कोई भी ना, और तभी आप पौर्णी तरफ आती दिखे एक आधी लड़की मतलब जिसके पैर ना, वो आपकी तरफ आपको मारने के लिए आ रही हो। ऐसी कंडीशन में आपको अपना दिमाग नहीं बल्कि अपने पैर चलाने चाहिए और उस जगह से जितनी तेजी से हो सके भाग जाना चाहिए। लेकिन बिना पैर वाली चुड़ैल पैर से ही जाने नहीं लेगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिगर। आज का ये वीडियो एक आत्मा की कहानी पर है जो अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। रात के समय जापान के रेलवे स्टेशन पर एक ऐसी आधी चुड़ैल भटकती है जो लोगों का पूरा काम खत्म कर देती है। ये अपने शिकार का बिना पैरों के पीछा कर लेती है और उसको भी अपनी तरह आधा काट देती है। तो सोचने वाली बात है कि कैसे कोई बिना पैर की चुड़ैल या लड़की आपका पीछा करके आपको खत्म कर सकती है, जबकि आपके पास तो पैर हैं, आप उससे ज्यादा तेजी से दौड़ सकते हैं। बेकर डे के इस शब्द आपने सुना तो कई बार होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका असली मतलब क्या है, क्यों इस चुड़ैल को डिगर डे की कहा जाता है और आखिर कहां से आई है यह हाफ भूतनी। इस वीडियो पर रात में और अकेले में कमजोर चिल और लोग तो बिल्कुल मत देखना, बिना चलिए शुरू कर देते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाला ऑडियो। काशिमा रायको, ये जापान में रहने वाली एक लड़की थी जो स्कूल में पढ़ा करती थी और ये स्वभाव से काफी शर्मीली थी। शर्मीली मतलब ऐसा नहीं कि घूंघट बुंगट डाल के रहती, बस ज्यादा लोगों से भुला मिला नहीं करती थी और लोग इसी बात का फायदा उठाते थे। लोग उसके साथ तरह तरह के मजाक करते थे, तरह तरह के प्रैंक करते थे, क्योंकि मालूम था काशिमा पलट कर जवाब नहीं देगी। और ऐसा ही कुछ हुआ। एक रात को रेलवे ट्रैक पर सभी दोस्त इकट्ठे थे, कहीं जा रहे थे और उनमें से एक ने काशिमा के गले पर उसे डराने के लिए एक गीला रख दिया। उस किरण की वजह से डर गई और चादर गिर गई एक रेलवे ट्रैक पर, जिसमें गिरने की वजह से काशिमा के पैर में चोट लग गई और वो उठ नहीं पाई। तभी वहां ट्रैक पर आती हुई एक तेज रेल ने उसको दो टुकड़ों में काट डाला। ट्रेन के जाने के बाद भी काशिमा जिंदा थी, वो दो टुकड़ों में बढ़ गई थी, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा जिंदा था और वो अभी भी चाहता था कि कोई उसकी मदद करे, लेकिन उसके सारे तमीने दोस्त उसको वहीं पर मरने के लिए छोड़ गए और फिर वही हुआ, तड़प तड़प कर काशिमा की मौत हो गई। फाइनली मरने के बाद वो वापस आई अपना बदला लेने के लिए टेक द टेक के रूप में। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया टेक द टेक की एक और कहानी है। यहाँ पर कुछ लोगों ने उसको पटरी पर बांध दिया था, जानबूझकर उसको मारने के लिए पटरी पर बांध दिया था और जिस वजह से ट्रेन ने उसको दो टुकड़ों में काट दिया। लेकिन चूंकि एक जापानीज अर्बन लीजेंड है, दोनों ही कहानी के कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन पहले जो भी हुआ हो, उसे पटरी से बांध दिया गया हो या वो पटरी पर गलती से गिर गई हो, तो ही केसेस में उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की, कोई सबूत नहीं मिला, केवल एक लाश मिली जो की थी काशिमा की और किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। और जो भी यह घटना काफी ज्यादा पुरानी है, उस समय सीसीटीवी जापान में भी नहीं हुआ करते थे, इसीलिए कोई भी पकड़ा नहीं गया। अब बात करते हैं कि कैसे बिना पैरों वाली लड़की पैर वाले लोगों का शिकार कर लेती है। ये रेलवे स्टेशन के आसपास ही भटकती है रात के समय, ये खिड़की के पीछे या कार के पीछे ऐसी जगह पर छुपती है जहाँ पर इसका नीचे का हिस्सा दिखाई ना दे, मतलब नीचे का हिस्सा जो है ही नहीं वो दिखाई ना दे, केवल उसे ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है और वो किसी तरह उसको अट्रैक्ट करके अपने पास बुलाती है। और जब शिकार उसके पास आ जाता है तो फिर वो उसको अपना असली रूप दिखाकर सरप्राइज कर देती है। मैं आपको बता दूं कि टिकट टैग की खास बात यह है कि बिना पैरों के बावजूद भी वो नॉर्मल इंसानों से ज्यादा तेज मूव कर सकती है, क्योंकि वो एक आत्मा है। एक किटे के एक साउंड का नाम है और वो भी एक जापानीज वर्ड है, मतलब जैसे कहीं बम का धमाका होता है, बूम का साउंड होता है, तो हम उसे बोलते हैं इंग्लिश में ब्लास्ट का साउंड इफेक्ट। सिमिलरली जब कोई घिसट घिसट कर चलता है, जमीन पर रेंगता है, तो जो साउंड क्रिएट होता है उसे जापानीज लैंग्वेज में टेके कहा जाता है, टेके साउंड। और जब कोई कंटिन्यूसली साउंड निकालता है तो उसे कहा जाता है टेके टेके, इसीलिए काशिमा को कहा जाता है टेके टेके। तो अगर ये आपको फैक्ट नहीं मालूम है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर काशिमा पूछे कि मेरे पैर कहाँ है तो आपको क्या जवाब देना है? Your legs are on Mission Expressway. Mission Expressway ये वही जगह है जहाँ पर टेके टेके मतलब काशिमा खत्म भी थी। लेकिन अगर आप इंग्लिश की बजाय काशिमा से जापानीज लैंग्वेज में बात करना चाहते हो तो आप कह सकते हो कामेन शिनिन मा। अगर मोरल ऑफ द वीडियो इसके कभी भी रात के समय रेलवे स्टेशन पर मत जाना, जाना तो भाई ये वीडियो देख कर सही जवाब पता कर के जाना। और भाई कभी भी ट्रेन या रेलवे ट्रैक के आसपास कभी किसी के साथ कोई मजाक या कोई प्रैंक मत करना, क्योंकि प्रैंक कैन गो रॉन्ग।